दे रहा हूँ भाई, से मेरा आईडी कार्ड है। इसे कार्ड तो कार्ड तो दे दे। जी आपकी भतीजी हमें बहुत अच्छी लगी, क्यों मुश्ताक जी? आपका हमारे मुश्ताक कैसा लगा? ठीक ही है बस। क्या मतलब? मेरा मतलब है बातचीत करने से ही अंदाजा होता है ना, ऐसे क्या कह सकती हूँ मैं? आप बिना झिझक बात कीजिए। हाँ जी बताएं, क्या कुछ करते हैं आप? मेरा मतलब है नौकरी के अलावा और क्या करते हैं आप, मसलन क्या हॉबीज हैं आपकी? वैसे तो कुछ खास नहीं जी। वैसे आपस की बात है, बहुत ही थर्ड क्लास बात की है आपने। हर इंसान फारिग वक्त में दिल बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है, आप भी कुछ ना कुछ करते होंगे? मैं फिल्में देख लेता हूँ। किस किस्म की फिल्में? इंग्लिश फिल्में देखता हूँ। रोमांटिक? नहीं, एक्शन। अच्छा 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 अच्छा, तो कौन सा एक्शन हीरो पसंद है आपको? मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन हाँ कुछ गंजा सा है वो। विन डीजल की बात तो नहीं कर रहे आप कहीं? डीजल या पेट्रोल ये तो नहीं पता, लेकिन है कुछ ऐसे ही। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्यों? क्यों? मर्जी हमारी। मगर ना की कोई वजह तो होगी। वजह बताने की मैं पाबंद नहीं। चलें, वो दरवाजा है, निकले यहाँ से। और बताओ तुमने क्या किया आज यूनिवर्सिटी में? किसका बर्थडे था? ओ, क्या है? आप लोग अभी तक गए नहीं? चलें शाबाश, वो दरवाजा है, शराफत से खुद ही निकल जाए। चलें शाबाश, निकलें शाबाश, निकलें। सॉरी आप लोगों का टाइम वेस्ट किया। जी बिल्कुल, बस जो मेडिसिंस मैंने लिख कर दी हैं आप वो लेते रहिएगा। एक्चुअली केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लगेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। फायजा क्या हुआ तुम्हें, मूड क्यों खराब है? हुपो, आपका ये जो तरीका है ना, ये बिल्कुल गलत। किस चीज का? रिश्ते वालों को जलील करके भगाने का। भगाने का क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उन्हें जानबूझकर भगाती हूँ? लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि एक महीने में ये पांचवा लड़का है जिसको आपने भगाया जलील करके। तो क्या मतलब है तुम्हारा फायदा? इस तरह आंखें बंद करके किसी भी ऐरे गहरे से शादी कर दूं तुम्हारी? जिस तरह के सवालात आप करती है, कोई ऐरा गैरा भी मेरा हाथ नहीं थामेगा। क्या गलत पूछा है मैंने उससे? बताओ, एक फिल्म के हीरो का नाम तक ही तो पूछा है मैंने उससे, वो भी नहीं पता था उसे। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, इससे पता चलता है कि वो कितना गायब दिमाग इंसान है। भाई एक फिल्म देखता है वो 3 घंटे तक बैठकर, और उसे इस फिल्म के हीरो का नाम नहीं पता। वैसे फ्रेंकली पप्पू, आपका ये एटीट्यूड देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरी कभी भी शादी होगी। तौबा करो, अच्छी बात निकालो मुंह से। सिर्फ मुंह से अच्छी बातें निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो सेलेक्ट करना होगा ना। सुनो फायजा, मैं एक डॉक्टर हूँ। पागलों की। अच्छा, इसलिए मुझे पागलों की पहचान। एक बात याद रखना फायजा, तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी जिसका दिमागी तवाजुन ठीक होगा, समझी? कहाँ जा रही हो? वॉक पे,
अब इस पे भी कोई कॉम्प्लिकेशन है? ऐसे जाओगी क्या? कुछ समझ नहीं आती है मुझे इस लड़की की। शायद किसी का गिर गया है। लेकिन यहां तो कोई नहीं है। पुलिस स्टेशन में जमा करा दे देते। खुदा का शुक्र है बेटा, तुम्हारी जान बच गई। सुने, रास्ते में कोई भी फकीर नजर आए ना, उसे ये दे दीजिएगा। तुम उस इलाके में करने क्या गए थे? अरे पापा, मैं तो दोस्त क्या गया था, वापस आ रहा था, वहीं उन लोगों ने रोक के लूट लिया। बेटा, आइंदा ना तुम उस दोस्त के घर जाओगे और ना उस इलाके में जाओगे, प्लीज। अरे मम्मी, ये तो होने वाली बात ही हो गई। मैंने उस इलाके के थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अच्छा, मेरे वॉलेट मेरे क्रेडिट कार्ड्स थे, क्या पता मिल जाए। कल इसके रिश्ते की बात हुई और आज ये हादसा हो गया। तुम ऐसा करो कि लड़की वालों को फोन करो, हमें ये रिश्ता नहीं करना। ये रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। वैसे वो लड़की बहुत बोलती है और ऐसी ज्यादा बोलने वाली लड़कियाँ मुझे पसंद नहीं है। अरे पापा, मैं पहले लड़की से मिल तो लूँ। अच्छा, अपने बाप पर यकीन नहीं तुम्हें? अरे पापा, ऐसी बात नहीं है। तुम चुप करो। सादिया, तुम इन्हें फोन करके माजरा कर लो। हेलो। जी जी। अच्छा मैं दे रहा हूँ, पुलिस स्टेशन से फोन है। पुलिस स्टेशन से? या इलाही खैर। हेलो जी जी, बात कर रहा हूँ। क्या, वॉलेट मिल गया? ओके ओके जी जी, बिल्कुल, थैंक यू, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू। वाओ, कैन यू बिलीव इट मम्मी, पापा वॉलेट मिल गया। ठीक है बेटा, खैर से जाना, संभल के जाना प्लीज। अरे यार, ओके मम्मी, बस मैं लेके आता हूँ। पापा आपका फोन। खुदा का शुक्र, करो मैं उसका। तुमने खराब किया इसे। ओ जनाब, कह दिया ना मैंने, बेफिक्र हो जाओ। अरे जब हम बैठे हुए हैं तो आपको किस चीज की टेंशन है? ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर, मैं अब जा सकती हूँ? बीबी, आप अभी नहीं जा सकती। पर क्यों? ओ बीबी, ये डकैती की वारदात में पर्स मिला है जो आप लेके आई हैं। तो मैं क्या करूं? ओ बीबी, ये पर्स जो है डकैती की वारदात में मिला है, प्रॉपर तफ्तीश करनी पड़ेगी। जब तक इस वॉलेट का मालिक नहीं आ जाता, हम आपको नहीं जाने देंगे। बैठे आप आराम से यहाँ पर। अजीब जबरदस्ती है ये। ओ बीबी, आपको कहा है, आप हमारे साथ तामुन करें, आप आराम से यहाँ पर बैठे। वैसे भी इस इलाके में बहुत डकैतियाँ हो रही हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये सारी डकैतियाँ मैं करती हूँ। ओ खुदा का वास्ता बीबी, आप खामोश हो जाएं। क्यों, मैं क्यों खामोश हो जाऊं? एक तो ये वॉलेट यहाँ ला के मैंने अच्छे शहरी होने का सबूत दिया और आप लोग मेरे ही गले पड़े, इसीलिए तो कोई तावुन नहीं करता है आप लोगों से। ये लो जी, इस पे अपना एड्रेस और फोन नंबर लिख दीजिएगा। क्यों, आईडी कार्ड बनाना है जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मेरी? ओ बीबी, मैंने आपसे कहा ना, इस पे अपना एड्रेस और फोन नंबर लिख दे, आप थाने में बैठिए। से कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। ये ले। एक्सक्यूज मी पुलिस अंकल, मुझे प्यास लगी है, पानी ला के दे और ग्लास धो के लाइएगा। हेलो पप्पू, कहाँ रह गई हो भाई? मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में हूँ। व्हाट,
क्या क्या हुआ तुम्हें? मैं पुलिस की जेरे हिरासत में हूँ। आई नीड योर हेल्प। मेरी जान, मैं अभी आ रही हूँ। लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हें पकड़ा किस जुर्म में? ये नेकी करना मेरा जुर्म था। फायजा प्लीज, ये 70 की दिहाई के फिल्मी डायलॉग बोलना छोड़ दो। जल्दी से बताओ कि हुआ क्या है, मसला क्या है? ओह गॉड फुफो, आप सारी तफ्तीश इधर ही करेंगी फोन पे या मेरी मदद के लिए आएंगी? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अब आपको मेरी फुफो डील करेंगी। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमजा आप ही हो? हेलो, ओ हीरो, ओ हीरो, मैं यहां पर बैठा हूं, आप थाने में खड़े हुए। हमजा मैं ही हूं जी। ये अपना वॉलेट चेक कर लो। वाओ, थैंक यू, थैंक यू जी। देख लेना, सामान पूरा ही है। थैंक गॉड मेरा आईडी कार्ड मिल गया सर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, आपका ये वॉलेट मैं लेकर आई, और आप समझ रहे हैं कि इन्होंने आपकी मदद की है? हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जी जी। तुम्हारी वजह से मैं 2 घंटे से यहाँ ख्वार हो रही हूँ। मेरी वजह से? मेरी वजह से क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि जो तुम्हारे साथ वारदात हुई है उसमें मैं भी शामिल हूँ। Come on यार, really? Oh my God, really? Oh God, I can't believe this. What's so funny? Just a second, yes. Sir जी, तुम हंस रहे, बड़े ठीठ इंसान और बेशरम भी। I'm so sorry, I'm so sorry. Actually, I'm sorry, मैं आप पे नहीं हंस रहा। मुझे तो ये बात सोच कैसी आ रही है कि ये समझ रहे कि ये वारदात आप जैसी खूबसूरत लड़की कर सकती। ओह प्लीज, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, समझ आई? आप जैसी खूबसूरत लड़की, यार राइट। कहाँ है मेरी भतीजी? फायजा, पप्पा, फायजा कहाँ हो तुम? पप्पा, तुम ठीक तो हो ना? शर्म नहीं आती आप लोग? मेरी भतीजी को इतनी देर तक इस थाने में बिठाने की हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की? गलत फहमी थी। तुम कौन हो मिस्टर? यही तो वो है जिसका वॉलेट मुझे जमीन पे पड़ा मिला, जो मैंने उठा के इनको लाके दिया, और इसी चक्कर में इन्होंने मुझे 2 घंटे बिठाए रखा। ओ, तो तुम हो वो मासूम। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी भतीजी तुम्हें शक्ल से चोर चक्की लगती है, डाकू लगती है, डकैत लगती है। MBA किया है, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप की है, समझे? वाओ, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। क्या खाप, वेरी गुड। तुम लोगों को शक्लों से अंदाजा नहीं होता कि कौन अच्छे घर का है और कौन बुरे घर का? ऐसे अमीर जादों को किसी का क्या एहसास होगा? फुफो, तुम्हें कैसे पता कि ये अमीर जादा? 1 दर्जन तो क्रेडिट कार्ड्स निकले हैं इसके वॉलेट में से। खैर छोड़े, चले। हेलो हमजा, हमजा, ओ हीरो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये थाना है, मेरी तरफ भी देख लो। हाँ हाँ सर, थाने में ही, थाने में। ओ देख ले, कोई चीज कम तो नहीं है? वॉलेट में तो कुछ कम नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे लड़की को चुरा कर चली गई। ओह मत तो मारी गई है तू, अगर बोलता है तो FIR काट दूं।
कोई फायदा। रुको, क्या जरूरत थी इस वक्त रात को नेकी करने की? आप ही ने तो सिखाया पप्पो के कोई भी नेकी का मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं वो की हुई नेकी अपने ही गले ना पड़ जाए। पर ये इंसान कैसे डिसाइड कर सकता है कि कौन सी नेकी करनी है और कौन सी नहीं? बहस करने में ना तुम नंबर वन हो। वैसे जो मैं कह रही हूँ वो समझती नहीं हो तुम। आइंदा वॉक पर जाओगी, सीधा वॉक करके घर आओगी, समझी? समझ गई। तौबा है, रात के इस वक्त दो लड़कियां थाने से बाहर निकल रही हैं, लोग क्या सोचेंगे? दो लड़कियां, तुम और मैं। अच्छा, यानी आप खुद को भी लड़की कह रही? इसे कहते हैं मौके का बहुत अच्छा फायदा उठाना। ज्यादा बकवास मत किया करो। मैंने क्या कहा है? ये जो तुम्हारी जहरीली मुस्कुराहट के पीछे शैतानी छुपी हुई है सब पता है मुझे। अच्छा पप्पो, नाराज तो मत हो, गर्ल है आप, गर्ल। आप समझ रहे हैं कि इन्होंने आपकी मदद की है? मैं आपकी वजह से यहाँ पे दो घंटे से ख्वार हो रही हूँ और इनको पता ही नहीं है। और ये समझ रहे मैं डाकू हूँ और आपको इतना भी नहीं है कि आप मुझे थैंक यू कहें, बल्कि आप इनको थैंक यू कहें। मेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐसा ना, साथ फायजा, फायजा जल्दी से उठ जाओ, क्लास के लिए लेट हो रही हो। उठ जाओ। क्या है? क्या है पप्पो? क्या मतलब क्या है? जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारा नाश्ता टेबल पर रख दिया है मैंने। क्या, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही है? मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गई है, जल्दी जाना है मुझे। चलो जल्दी से उठ जाओ। और मैं यूनिवर्सिटी कैसे जाऊंगी? टैक्सी मंगवा लेना बाबा। और हाँ, शाम को घर जल्दी वापस आना है तुम्हें। जब यूनी खत्म होगी तभी आऊंगी ना। क्लास के बाद जो तुम दोस्तों की बैठक लग जाती है ना कैंटीन में, उसकी बात करेंगे, जल्दी आना। ओह, स्पीकिंग ऑफ व्हिच, आज पल्लो की बर्थडे है, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दें। ये क्या चक्कर है फैजा, हर थोड़े दिन बाद तुम्हारी किसी ना किसी दोस्त की बर्थडे होती है? क्या छह छह महीने बाद करती है ये अपनी बर्थडे? नहीं भाई, देख, 12 गर्ल्स इन अ ग्रुप, हर महीने इत्तेफाकन एक ही बर्थडे होती है। इसी तरह 12 महीने 12 बर्थडे, पूरी साल हम पार्टी करते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कुछ पैसे रख देती हूँ टेबल पे, तुम जल्दी से उठ जाओ, नाश्ता करो, लेट हो रही हो। चलो शाबाश, ख्याल से जाइएगा, ठीक है ना? कौन सी यूनी, कैसी यूनी? जी जी बिल्कुल, 6 बजे ठीक रहेगा शाम को, तब तक फायजा भी आ जाएगी यूनिवर्सिटी से। मैं इंतजार करूंगी, खुदा हाफिज़। ए, पता है किसकी कॉल थी?
तुम्हारी दोस्त की अम्मी की फ्रेंड की। किसकी? तुम्हारी दोस्त की अम्मी की फ्रेंड की। आर यू श्योर पोपो? हाँ, उन्होंने तो यही बताया था। कौन सी दोस्त? कौन सी दोस्त, ये तो मैंने नहीं पूछा उनसे। और क्यों कॉल की थी? तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में घर आना चाह रही। क्यों? हाँ, ऐसा करो कि छुट्टी कर लो यूनिवर्सिटी से। ऐसे कैसे छुट्टी कर लूं? और वैसे भी मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, पूछूंगी कि कौन सी दोस्त ने किसको नंबर दिया है, कौन लोग आ रहे हैं हमें देखने। वैसे फायजा, आपस की बात है, बहुत नखरे हैं तुम्हारे। अब इसमें नखरे की क्या बात है? पोपो, कम ऑन। इन्हीं नखरों की वजह से आज तक तुम्हारा रिश्ता तय नहीं हुआ। Honestly, can I tell you something, पोपो? मेरे रिश्ते की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? किस चीज की? ये जो आप अजीबोगरीब सवालात पूछती है ना बॉयज से, इसलिए वो सारे भाग जाते। मेरी तरबियत में एक यही कमी रह गई थी कि तुमने आज तक मेरी बात मानना नहीं सीखा। ऑन तुम मतलब हर वक्त इस तरह की बातें करती हो, पागलों वाली, इसलिए तुम्हारी शादी नहीं होती। पोपो, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही है। पोपो, अस्सलाम वालेकुम। पोपो, वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है, मैंने अपनी सारी दोस्तों से पूछा, किसी ने मेरा नंबर किसी को नहीं दिया। तुम फिक्र मत करो, जब मेहमान आ जाएंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे कि किसने नंबर दिया। अच्छा, वैसे आप ये सब क्या कर रही हैं? क्या करना है? मैंने मेहमानों की खातिरदारी की तैयारी कर रही हूँ। क्या फायदा है? तकरीबन हर महीने 2 किलो का गोश्त ये खा ही जाते हैं। अब बाहर से कुछ क्यों नहीं मंगवा लेती? अगर मैं बाजार से मंगवाऊंगी तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा बेबी। क्या फायदा है इस इम्प्रेशन का? सारे रिश्ते वाले तो यूं ही भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों। हेलो, ये जो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं ना, इनकी तरह बातें करना बंद कर दो तुम। और जाओ जाके चेंज करो, तैयार हो जाओ, जाओ। चलो जाओ शादी। अगर किसी हेल्प की जरूरत हो ना, याद मत कीजिएगा। मैडम जाइए, तैयार होइए जाके। कौन? आप भूल गई मुझे इतनी जल्दी? कौन हो भाई? देखिए, गाली देनी है ना, गाली देते हैं। ये भाईशाही ना बोलें। अब तो मुझे लगता है कि गाली देनी ही पड़ेगी। कौन हो भाई और क्या काम है? अरे भाई, मैं मुश्ताक। कौन मुश्ताक? आपको यहाँ कोई और देख रहा है? अरे मैं मुश्ताक, और कौन मुश्ताक? मैं किसी मुश्ताक को नहीं जानती। आप भूल गई, मैं अपना रिश्ता लेके आया था आपके लिए, अपनी मामा के साथ। ओके ओके, तुम वो हो। क्यों, उसे नहीं लग रहा? नहीं यार, मैंने उस दिन गौर से नहीं देखा था तुम। खैर बताओ, क्यों आए हो? आपको नहीं लगता कि हम दोनों को शादी करके देख लेना चाहिए? क्या पता लोगों को जोड़ी अच्छी लग जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक, ये क्या ऑल फॉर बकवास कर रहे हो? सुनो मिस्टर इश्तियाक। इश्तियाक नहीं, मुश्ताक। मुश्ताक, मेरी अम्मी मुझे प्यार से मुशु कहती है। वैसे अगर आप भी चाहें तो मुझे प्यार से मुशु बुला सकती हैं। मुशु, अगर मेरी पप्पा ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, तो प्यार करने के काबिल नहीं रहोगे, निकल लो यहाँ से। एक तो मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि आपकी पप्पू ने मेरा रिश्ता इनकार क्यों किया। वैसे ये गलत बात है ना? हाँ, पहले तो मुझे भी लगता था कि बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। देखा? लेकिन अब तुम्हें देख के लग रहा है कि बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। तो फिर आपकी तरफ से रिश्ते को मैं हाँ समझूं या ना समझूं? Are you serious? फायजा, पोपो वो पोपो गलती से किसी ने बेल बजा दी है। सुनो मेरी बात, अगर पोपो ने यहाँ देख लिया ना,
तो तुम अपने ये कमजोर हाथ पैरों पे भी चल के नहीं जा सकोगे। निकल जाओ, मैं कह रही हूँ। लेकिन हमारे रिश्ते वाली बात तो रह गई ना। नमस्कार जी। मैं सादिया हूँ, आपसे फोन पे बात हुई थी ना फायजा के रिश्ते के सिलसिले में। जी जी बिल्कुल। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे हस्बैंड हैं फिरोज। वालेकुम अस्सलाम। परेशानी तो नहीं हुई घर ढूंढने में आप लोगों को? नहीं, आसानी से मिल गया। ठीक है, अंदर आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। माशाल्लाह घर बहुत खूबसूरत है, ये आपका अपना है? नहीं, पड़ोसियों का है। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। हिना, आप यकीन करें ना करें, हमारा बेटा हमसा हीरा है, हीरा। अच्छा, ऐसा है क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि औलाद है आपकी, अपनी औलाद तो कभी कभी गोरी लगती है। वो अपनी भतीजी को बुलवाइए। कहाँ है फायजा? जी जी बिल्कुल। फायजा, तो आप भी इस घर में रिश्ते के लिए आए? आप भी मतलब? नहीं, मतलब ये कि जो भी इस घर में रिश्ते के लिए आया है वो जलील होके गया है। मुश्यू जलील हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। मेरी मम्मा कहती है कोई लड़की ऐसी पैदा ही नहीं हुई जो मुश्यू को रिजेक्ट कर सके। देखो मुश्यू, क्या बताया? रिजेक्ट कर सके। नहीं, तुम्हारी अम्मा क्या कहती है? मुश्यू ये है मेरी भतीजी फायजा, MBA कर रही है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। आप अपने बेटे को भी ले आते? वो दरअसल शर्माता बहुत है। शर्मिला भी है? जी हाँ, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हम अपने बेटे के लिए खुद लड़कियां ढूंढ रहे हैं, वरना आजकल की तो औलाद अपने माँ बाप को मोहलत ही नहीं देती। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। आपने शादी नहीं की? जी नहीं। और वजह भी मत पूछने बैठ जाइएगा, वरना गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और लंबी गुफ्तगू हम लोग करना भी नहीं चाहते। इजाजत चाहेंगे? अगर हो सके तो अगले हफ्ते हमारी तरफ आइएगा। जी, ये नहीं जाएंगे क्या? चल रहे हैं क्या? कुछ है ना? मत जाओ इस घर में रिश्ते के लिए। लेकिन क्यों? क्यों क्या यार, उनकी फुफोक से मिले हो तुम? हाँ मिला हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मिला हूँ। अजीबोगरीब सवाल नहीं किया तुमसे उन्होंने? हाँ ये ठीक कह रहे हैं आप, उन्होंने मुझसे भी यही सवाल पूछा था कि मुझे बताओ कि तुम कौन सी पिक्चर देखते हो। भला ये कोई सवाल है अम्मा के सामने पूछने का कि इंग्लिश फिल्में देखते हो, कौन सा हीरो है, कोई बताता कि कौन सी इंग्लिश फिल्म कौन देखता है? देखो मशू, उनकी जो फूफो है ना वो पागलों की डॉक्टर है, पूरा घर पागल है। मेरा रिश्ता भी उन्होंने खत्म करवाया था यार। हटिए साइड में से, साइड में हटिए, जाओ यार, खुद पता कर लूंगा मैं।
अरे वाह, मैं आपको याद हूँ। हाँ पहचान लिया, तुम तो वही हो ना जो उस दिन रिश्ते के सिलसिले में आए थे। अरे वाह, आपकी याददाश्त तो बहुत ही तेज है। आई एम श्योर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बादाम खाती होंगी रोजाना। काम की बात करें, चलो शाबाश। की एक भतीजी थी ना, मैं एक्चुअली उसका नाम भूल गया। क्यों क्यों नाम बताऊं मैं अपनी भतीजी का? जब उस दिन बात खत्म हो गई थी तो क्या लेने आया हो यहाँ? मैं आपकी भतीजी का हाथ लेने आया हूँ, मतलब मैं मांगने आया हूँ। मेरी भतीजी का हाथ तो नहीं मिलेगा तुम्हें, मेरा हाथ चाहिए। आपका हाथ? आपकी एज और मेरी एज में तो बहुत डिफरेंस है ना। लेकिन अगर आपकी भतीजी शादी मुझसे हो जाए ना तो फिर एक बात बन सकती है, क्योंकि मेरे जानने वाले एक मामू है, उनकी एज बिल्कुल आपसे मिलती है। तो मैं, अगर आप कहेंगी तो मैं आपकी सेटिंग करा दूंगा। सेटिंग के बच्चे, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। चलो चलो देखो, गौर से देखो, देखो क्या नजर आ रहा है तुम्हें। आंटी कपड़े धो रही है। आंटी कपड़े धोते हुए नजर आ रही है तुम्हें, ऊंचाई नजर नहीं आ रही तुम्हें। यहाँ से फेंक दिया ना तुम्हें, एक हड्डी नहीं मिलेगी तुम्हारी। देखो मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है तो मैं डराऊं? थप्पड़ मारूं तुम्हारे मुंह पे? जा यहाँ से। ओके। चीप आदमी, मरो इधर। रिश्ता चाहिए, गुलाब जामुन है मेरी भतीजी। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, भाग यहाँ से। अरे 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 अरे, क्या हुआ मशू भाई, हो गया रिश्ता? अरे पागल, वो मुझे, अरे यार फुप्पो से बचाओ मुझे कोई। अरे हाय, मैंने बोला भी था यार उसकी फुप्पो पागल है। अरे वो तो पागलों की डॉक्टर नहीं, वाकई पागल है। ओए होए यार, ये जो फसाद की जड़ है ना, फुप्पो है। सही कह रहे हैं, मरवा दें। अबे पागल हो गए क्या, लड़की से कांटेक्ट करो सीधा। अरे यार आपने मुश्यू को हल्का लिया भाई क्या, मैं तो लड़की से ऑलरेडी कांटेक्ट में हूँ फेसबुक के थ्रू। हम तो दिन में दो दो बार लूडो स्टार भी खेलते हैं। किससे? फायजा से। फायजा जी, आप यकीन नहीं आया। नहीं मान सकता यार। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखे। मैं चैट पर्सनल है, मैं आपको चैट नहीं दिखा सकता। वैसे उसकी आईडी प्रिंसेस फायजा के नाम से। किस नाम से? प्रिंसेस फायजा। मैं चेक कर लेता हूँ कोई बात। ये क्या प्रिंसेस फायजा? हाँ ये वाली, ये। लेकिन आप किसी को बताएंगे नहीं? ये तो लड़का है क्या? हाँ। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मुझसे सुबह शाम बात करती हैं और मुझे वो दिल के आंखों वाले इमोटिकन्स भी भेजती रहती हैं। वो बैलेंस भी मांगती है। हाँ बैलेंस क्यों मांगती है? वीडियो कॉल पे नहीं आती है? बिल्कुल नहीं। जब मैंने ना बोला क्या वीडियो कॉल पे है, मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो कभी लाइट नहीं है, कभी बैटरी लो है, और कभी कहती है मोबाइल में कैमरा ही नहीं है। पप्पो साथ हैं। पता है मुझे यार, लड़का था। हाँ तो अब क्या करूं? एक काम करो, अपनी अम्मा से फोन कर पाओ ठीक है, और पर्सनली जाके लड़के से मिलो। ये अच्छा आइडिया है मेरा। क्या आइडिया है दिया दोस्त, गले लग जाओ इसी बात पे। आओ एक बात पे चाय हो जाए क्या? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक यू सो मच यार, मुझे थोड़ा जाना है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा फायदा, आ रहा हूं मैं। कोई काम है? नहीं एक्चुअली। हाँ बोलो। वो जो लोग आए थे, रिश्ते वाली आंटी,
उनके बारे में हमने कुछ डिस्कस नहीं किया। आपने बताया नहीं आपको कैसे लगे।